यहां रहने का आदेश नहीं है। और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरु से नहीं किसियन गुरु बना ले रहा बैठे स्वर्ग में, यानी टिकने देंगे। कहने लगा मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, तो ये बैठ गया या मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पा कर था होता है, वो इन्हों सोचा था कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। भगवान तो ऋषि संतों को बड़ा प्यार देते हैं, सतोगुणी भगवान है विष्णु। विष्णु जी के पास संदेशा गया, विष्णु जी बाहर आए अपने रेजिडेंस से, महल से। अब सुखदेव जी ने सोचा था कि तुझे बड़े आदर सत्कार से बड़े प्यार से बोलेंगे, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी यहाँ किस लिए आया तू? अब सामने वाले के बोलने के मेथड से ही पता लग जाता है राजी से नाराज, ये खुश है या ना खुश है। आधा फ्यूज ऋषि जी वहीं हो लिया, हकरबद्ध होकर कहने लगा जी मैं कुछ दिन स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। विष्णु जी को पता तो था ही सारा, उसने अपने पार्षदों से पहरेदारों से सेवकों से पूछा भी क्या कारण है ऋषि जी को स्वर्ग में क्यों नहीं जाने दिया। उन्होंने कारण बताया जिनका कोई गुरु नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी गुरु बनाओ, और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। अब वो आकाश में उड़न की एक अर्धी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन रहा था, कौन? सुखदेव ऋषि। उसने न्यों सोच लिया तेरे बराबर कोई नहीं, मैं तो आकाश में उड़ जाता हूँ। वो कहने लगा जी मैं किसको गुरु बनाऊँ पृथ्वी पर, मुझे कोई मेरे योग्य गुरु नहीं लगता, मुझे वहाँ कोई संत दिखाई नहीं देता। भगवान विष्णु कहने लगे ऋषि तेरी बुद्धि पर चर्बी चढ़ गई है, तू अपने आप को बड़ा महान मान रहा है, पृथ्वी पर जाओ और राजा जनक को गुरु बनाओ, आज के दिन वो एक नंबर के मेरे सतर के गुरु हैं। अब राजा जनक के बाल बच्चेदार और कई रानियां उसके। अब उसने सोचा भाई बड़ी बात बिगड़ी, राजा जनक को गुरु बनाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में चले गए, उसको वहां से रवाना कर दिया। अब वो उसी स्वर्ग में गया, इंद्र वाले स्वर्ग में। पहले जाया करता ना खूब चेहरा खिला हुआ होता था ना पूरा टोरते, और उस दिन जावा मुंह लटकाए, चेहरा उतरा हुआ, आसन दिया, बैठ गए सभी। कहने लगे ऋषि जी आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कारण है? आपकी पहले वाली रौनक नहीं रही चेहरे पर, क्या बात होगी, आपको क्या टेंशन हो गई? तब उसने सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहाँ कुछ दिन स्वर्ग में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, वहाँ मुझे रहने नहीं दिया। तो सभी देवता नारद जी जैसे ऋषि कहने लगे नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो सीने से लगाते हैं, बहुत दयालु भगवान हैं। ऋषि जी बात बता कहाँ बिगड़ रही है, कोई और कारण है आप वो छुपा रहे हो। तब उसने बताया सुखदेव ने कि मैं भगवान ने इसलिए मुझे वहाँ नहीं रहने दिया कि मेरा गुरु कोई नहीं। तो इस बात से वो सभी अक्षुब्ध हो गए जो उसके ऋषि वहाँ बैठे थे संत देवता। कहने लगे महात्मा जी हम तो आपको बहुत विद्वान पुरुष मानने थे, और आज तक आपने गुरु नहीं बनाया, आपने तो जीवन खो दिया, और ये दो दिन का जीवन है फिर गधे की निम जाएगा, ये पिछले जन्म के पुण्य तेरे साथ हैं जिससे तू आकाश में उड़े फिरते हो, हमने तो सोचा था आपने गुरु बना रखा होगा, आप तो मर्यादाहीन हैं और यहाँ भी आगे से आपको अलाउड नहीं है, निग्रह को यहाँ भी अलाउड नहीं है। अब वो कहने लगे भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन परमात्मा ने एक और बात कह दी। क्या कही? कि राजा जनक को गुरु बना। राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निवाऊ जाई। अब यो अहंकार रूपी राक्षस फिर अड़ गया, नौका राजा जनक ते गृहस्थी आदमी। सुखदेव बोले वचन विवेका और मन स्त्री का मुंह नहीं देखा,
राजा जनक गृहस्थी आई और कैसे शीश निवाऊं जाई, क्योंकि गुरु बनाना है तो दंडोत प्रणाम भी करनी पड़ेगी। यो अहंकार रूपी राक्षस उसके अंदर फेर समा रहा था। तब वो ऋषि बड़े समझदार होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, कहने लगे सुखदेव जी, जब परमात्मा ने आदेश दे दिया फिर अग्रम मगरम क्या रहेगी, या तो तू भगवान नहीं चाहता, बकवाद चाहता बस। जब आदेश भगवान का हो गया कि उसको गुरु बना और तब तू यहाँ आ सकता, फिर के अग्रम मगरम है, नहीं करना तो जा अपना कर खा धक्के। अब विवश हो गया और वापस आ गया, अपने पिता के पास गया, नहीं तो उसकी शक्ल भी ना देखी थी अपने पिता व्यास की, क्योंकि गर्भ में उसको ज्ञान रहता है प्राणी को कि मैं आगे चल के कैसे दुख पाता हूँ। और इसने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को वचनबद्ध कर लिया था माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले, नहीं तो 12 वर्ष सट्राई कर दी, इसने बाहर नहीं आया माँ के गर्भ से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसे कहा, भाई या नई रिवाज चालू मत करे तू, बाहर आ जा, और सभी माताएं 12-12 वर्ष तक बच्चों को पेट में रखेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तू बाहर आ जा। तब इसने कहा था, एक शर्त पे आ सकता हूँ, आप अपने ये इंजेक्शन मत लाइयो मेरे, ये इंजेक्शन मत लगाना, ये अपनी त्रिगुणमयी माया को रोक लेना, मैं बाहर आऊँ तब तक। तब ये कहने लगे, भाई इतनी देर तक भी नहीं रोक सकते इसने, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं, हमारे को तो ऐसा रच रखा है, पर हम इतनी देर ये यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं, हम इस प्रेशर ने रोक लिया अपने ने। तो इसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो, उन्होंने इतनी देर मुश्किल से रोकी, तभी वो एकदम माँ के गर्भ से बाहर आया और अपनी ओर नाल को कंधे पर घेर कर चल पड़ा। और व्यास कहता रहा, बेटा बेटा मुझे दर्शन तो दिखा दे, अरे सूरत तो दिखा दे, तेरी आस में हम बैठे थे, बेटा होगा। तो कहने लगा ऋषि जी, अब मुझे सब ज्ञान हो गया, और एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, यु ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारा बाटा। सुखदेव कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूंदी बीमारी है, अब मैं अब फंसू नहीं इस जाल में, क्योंकि ममता बन जाती है परिवार के अंदर, ममता बन जाने के डर से उसने आकाश में उड़कर चल पड़ा। और फिर जब इसका समस्या आई तो पूछा, उन्होंने कहा कि तू अपने, ऋषियों ने कहा कि अपने पिता से पूछ ले, बड़े विद्वान पुरुष हैं व्यास जी। व्यास जी के पास गया सुखदेव और कहा, पुत्र आ जा, तेरी बहुत इंतजार थी मुझे, मेरी आत्मा खुश होगी अपने पुत्र को देख के। ये मोह इतना जबरदस्त होता है जीव का, इस काल ने जकड़ रखा हमारे को। खुशी मनाई व्यास ने बेटे के दर्शन करके। फिर उसने प्रश्न किया कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे सारी कहानी सुना दी, तो व्यास जी ने भी एक बात कही, अरे बेटा तेने तो मेरे से जन्म लेकर भी बर्बाद कर दिया, तू गुरु नहीं बना रखा, मैंने तो सोचा था कोई अच्छा गुरु बना लिया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे विवेक वाली बातें कहकर यहाँ से गए थे, और तू तो भाई कति मूर्ख का मूर्ख है, तेरा जन्म बर्बाद हो जाएगा बेटा। फिर उसने कहा कि पिताजी भगवान विष्णु जी ने एक समस्या पैदा कर दी, वो कहते हैं राजा जनक से नाम लो और मैं बाल ब्रह्मचारी, और राजा जनक से कैसे उपदेश लूँ, उसको कैसे प्रणाम करूँगा, मुझे शर्म आवे। अभ्यास जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, कहने लगे बेटा जब परमात्मा का आदेश है तू अवहेलना कर रहा है, अब यहाँ से चला जा, तू मेरा कुछ नहीं लगता, खड़ा हो ले बस यहाँ से। अरे तू भगवान से बड़ा बन गया अपने आप में, अपने आत्माओं ये छोटी सी जादूगरी पाक आकाश में उड़ जाने वाली फूला नहीं समा वो बोली आत्मा। अब चारों तरफ से धक्के जब लग गए इस नालायक प्राणी के, तब राजा जनक के चरणों में जाकर उपदेश लिया।
तब राजा जनक ने एक लीला की, अपनी पत्नी से कहा कि नौकरानियों को कहो एक चूल्हे पर गर्म पानी करें और कढ़ाया रख दें उस पर, कढ़ाया पानी के जलेबी तारण के कढ़ाई वाला रोड बड़ा, और उसको भरकर चूल्हे में लकड़ी डालकर इतना उबाल दो जैसे कति फूल उबल जाए चाय बना कर जो जैसे, और कहा कि इसके साथ में पटड़ा डाल दे मैं नहाऊंगा। राजा जनक के पास सुखदेव ने जाकर प्रार्थना की कि मुझे उपदेश दो। राजा जनक ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर वो उसकी आंखों में आंसू देखे, फिर मान गया कि आज इसकी बुद्धि ठिकाना आएगी। उबलते हुए कढ़ाए जो पानी उबल रहा था उसके पास में नहाने के लिए पहले पाटड़े होया करते लकड़ी के, वो डलवा लिया। और कहते हैं राजा जनक के 10,000 रानियाँ थी, उनमें जो मुख्य थी पटरानी होती है वह उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराना। अब पहले बहुत सेवा किया करती थी अपने पतियों की ऐसी पत्नियां, एक ऐसा नियम सा बना हुआ था। उस उबलते हुए पानी के कढ़ाए, जल के कढ़ाए के पास पाटड़ा डाल लिया नहाने का पात्र, और सामने सुखदेव बैठा दिया, बैठ गया सामने, चादर बिछा रखी, कंबल बिछा रखा, जमीन पर बैठ गया। अब उसकी पत्नी के करे उस उबलते कढ़ाई में से जल का लोटा भरे और राजा जनक के सिर पर गेरे चोटी में और अपने हाथों से नुआवे न्यो पानी, क्यों नुआओ जब हाथा भाई पड़े गेल की गेल। और सुखदेव न्यू करे अब पानी डालने राजा जनक पर उबलता हुआ और सुखदेव न्यू करे कि जड़ेगा भी। अब राजा जनक ने कहा कि हे ऋषि ब्रह्मचारी, मेरे स्नान करने के बाद मेरे शरीर पर जो पानी डाला जा रहा है और ये बह करके नीचे गटर में से जा रहा है, मोरी में कह व्यास के पुत्र, इस मेरे नहाने के बाद जो जल नीचे चला गया तो इसमें उंगली दे कर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी और सिद्ध पुरुष है। ने बोला ना मैं ना दूं, मेरी तो सारी आंगली जल जा, इतना गर्म है ये। यानी स्नान शरीर पर जल डालने के बाद तो 40% ठंडा हो जाता है और वो उस पर से जाकर नाली में बह कर जा रहा है और उसमें भाप उठती जा। राजा जनक कहने लगे व्यास के बेटे तू बाल ब्रह्मचारी दे इसमें उंगली दे दे। ने बोला मैं ना जो उंगली कति जल जा मेरी सारी, खत्म हो जाए मेरी उंगली, इसमें ढूंढी नहीं मिलेगी। राजा बिहंस देई जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, तो तनु का मैंने नारी का मुंह नहीं देखा और मैं गृहस्थी और 10,000 रानी मेरे और मैं नहीं जल रहा, तू बाल ब्रह्मचारी डाल इसमें आज। तो उसने कहा नहीं। तो क्या बताते हैं, इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के, ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। पुनात्मा किसी भी महापुरुष को आप देख लीजिए, जैसे हम रामकृष्ण को भगवान मानते थे ये भी गृहस्थी थे, लेकिन हमारी बुद्धि इन नकली संतों के हाथों बिकी हुई थी, ये हमें जैसे भी बकवाद सुनाते हम वह फाइनल कर लेते थे और उसी के ऊपर आधारित होकर अपने जीवन को नष्ट करना प्रारंभ कर देते थे। अब बात ये नहीं है कि केवल गृहस्थी ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, बात ये नहीं है कि केवल सन्यासी ही भगवान प्राप्त कर सकते हैं। अब परमात्मा के पाने के लिए वो यथार्थ क्रिया होनी चाहिए, बकवाद ना हो, दुराचार नहीं हो, विकार नहीं हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू इस तरह रिश्वतखोरी दो नंबर काला बाजारी ये कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे गृहस्थी है चाहे शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है, मर्यादा में रहे, सत मंत्र हो, सच्ची भक्ति हो, दोनों मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।